आज हम आज के इस वीडियो में इंडियन जेल के बारे में जानेंगे कि जेल कैसा होता है, जेल के अंदर जिंदगी कैसे होते है, खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और क्या बाहर से जेल के अंदर खाना लेके जा सकते हैं या नहीं, क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और क्या जेल में एक दिन 24 घंटे के बदले 12 घंटे के होते हैं और फांसी देने के बाद जज कलम क्यों तोड़ देते हैं और फांसी से पहले ऐसे कौन कौन से आखिरी इच्छा होती है जिसे आखिरी इच्छा समझकर पूरा किया जाता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेल राज्य सरकार के अधीन में काम करते हैं और जेल के जो पुलिस होते हैं वो नॉर्मल पुलिस से अलग होते हैं। इसका पुलिस जेल के प्रशासन के अधीन काम करते हैं और जेल के अंदर बहुत ही कम पुलिस वाले होते हैं और अंदर का जितने भी काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब पहली बार जेल के अंदर जाते हैं तो जब उनको सजा लंबे समय के लिए होता है तो उन्हें एक नंबर दिया जाता है। आप तो फिल्मों में देखे होंगे कैदी नंबर 420। ये जो नंबर दिया जाता है लंबे समय तक सजा भुगतने वाले के लिए होता है। 10 से 15 दिन के लिए अगर जेल जाएंगे तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, कपड़ा भी नहीं देंगे आपको। जेल में तीनों टाइम मिलाकर नाश्ता और खाने की खर्चा अलग अलग राज्यों में अलग अलग किए जाते हैं। भारत के सभी राज्यों को एवरेज लेंगे तो एक कैदी के ऊपर एक दिन में लगभग 52 रुपए की खर्चा होता है। जेल में सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है जिसमें एक चाय आना कंपलसरी है और साथ ही चना ब्रेड बिस्कुट कोई भी एक दिया जाता है। दोपहर की लंच 11 से 12 बजे के अंदर दिया जाता है जिसमें रोटी चावल दाल और एक सब्जी। हालांकि ये सारे खाने में ज्यादा मसाले का उपयोग नहीं करते, पूरा सादा खाना होता है। रात का खाना भी दिन के जैसा ही सेम रहता है, उसमें चावल नहीं दिया जाता है, बाकी रोटी दाल और सब्जी रहता है। रात का खाना शाम को 5 बजे बनता है, आप चाहे तो 5 बजे खाना खा सकते। खाना बहुत ही लाइट दिया जाता है जिसे आप बीमार ना पड़े, क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है वो छोटे मोटे बीमार ठीक करने के लिए होता है। कहीं बार कैदी को खाना सूट हो जाता है, जेल में आता है दुबला पतला पर घर जाने टाइम मोटा हो जाता है। जेल के अंदर अपना कैंटीन भी होता है जहां आप अपने जरूरत के हिसाब से सामान भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा खाना चाहिए तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन उससे लिए जेलर को लिखाना पड़ेगा कि हम जेल से जो खाना खाते हैं वो हमें कम पड़ जाता है, 6 की जगह हमें 12 रोटी चाहिए, तो भी आपको वो आसानी से दे देंगे। अगर आप चाहे तो घर से भी खाना मंगा सकते हैं, लेकिन बार बार अलाउ नहीं करेंगे और खाने को भी चेक किया जाएगा। जब किसी को लंबे समय के लिए जेल में रहना होता है तो वो कुछ पैसा साथ में लेकर जाते हैं या कोई मिलने जाते हैं तो उन्हें भी कुछ पैसा दे देते हैं, लेकिन इस पैसे का मिस यूज भी हो सकता है। अगर आपसे भी कोई डेंजर कैदी होगा तो आपसे पैसा छीन सकते हैं, इसलिए जेल के अंदर जेल का अपना करेंसी होता है। वहाँ पर गांधी जी नहीं चलते, वहाँ कूपन चलता है, मतलब आपके पास जितना पैसा रहेगा वो कूपन से बदल दिया जाएगा और आप मैक्सिमम 2000 रुपए के कूपन रख सकते हैं। आपको 2, 5, 10, 20 इस तरह की कूपन दिया जाएगा और इसमें एक कोड दिया जाता है ताकि आपके कूपन आपके नाम पर रहेगा, कोई चुरा भी नहीं सकते। अगर आपके पास गलती से भी कैश पाया गया तो उसे जब्त किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी हो सकते हैं और साथ ही सजा भी बढ़ाया जा सकता है। जेल में जाकर आप कैदी से मिल भी सकते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो या कोई और भी। बस आपको कैदी का नाम पता होना चाहिए और उनकी पिताजी का नाम पता होना चाहिए और किस जेल पर है उसका नंबर। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन मिलना चाहेंगे तो आपको कम से कम 3 घंटे की लाइन से तो लगा देंगे, फिर आप जाके बात कर सकते। वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा या वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं लगा रहते, आप आराम से कुछ भी बात कर सकते। अगर आपको कुछ देना हो तो आप दे सकते, लेकिन वहाँ की जो पुलिस रहते हैं उनके द्वारा आपके द्वारा दिए गए चीज अच्छी तरह से जांच करेंगे। अगर कोई इल्लीगल होगा तो नहीं देगा, उल्टा कैदी की सजा बढ़ा देगा। मिलने की टाइम 10 से 3 बजे तक की होती है, 10 से पहले और 3 के बाद आप नहीं मिल सकते। अगर आपके पहुंच ऊपर तक है और पैसा है तो जेल के अंदर और बाहर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सब कुछ अलाउ है। सच तो ये है कि सिर्फ नॉर्मल वालों मतलब मिडिल क्लास के लिए ही जेल है, और मिलने का मतलब ये भी नहीं कि डेली मिलने जाओ, हफ्ते में 3 बार, अगर बड़ा अपराधी होगा तो 2 बार और कहीं कहीं बार तो 1 बार ही अलाउ किया जाता है। कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिससे किसी को मिलने ही नहीं देते। मिलने के लिए आपको 15 से 20 रुपए की रसीद लेना पड़ेगा। जेल के अंदर एक स्टडी रूम भी होता है जहां आप पढ़ाई भी कर सकते। वहां पर लाइब्रेरी इतना अच्छा होता है कि नॉर्मल बाहर उतना अच्छा नहीं होता, आप वहां से पढ़ाई भी कर सकते। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा और साथ ही एग्जाम भी दे सकते। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद का काम करना होता है, किसी को खाना बनाना, किसी को खेती करना, कारपेंटर, सिलाई मशीन, रेलवे ट्रैक की पत्थर तोड़ना, इस तरह की और भी जेल के अंदर बहुत सारे काम होता है जो कैदी को करना पड़ता है। इसके लिए पर डे 20 रुपए आपको दिया जाता है, यानी कि महीने की 600 रुपए। आपको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं काम करेंगे तो बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। जब भी कोई जेल जाता है तो उसे पूछा जाता है कि आप काम करेंगे या पैसा देंगे। ये जो पैसा देता है इसको वहाँ पर हाथा कहते हैं। अगर आप पैसा देंगे तो एक प्रॉब्लम है कि आपका खाना लिमिटेड रहेगा, और अगर आप काम करेंगे तो आपका खाना पेट भर मिलेगा। कई लोगों को लगता है कि जेल में एक दिन 12 घंटे की होते है, पर ऐसा नहीं है।
लेकिन अंग्रेज के जमाने में ऐसा होता था। लेकिन अभी के समय में जो कानून है उसमें आपके लिए और कैदी के लिए 24 घंटे में एक दिन है। और दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि उम्र कैद 14 साल की होती है, पर ऐसा नहीं। उम्र कैद का मतलब है जीवन भर जेल में रहना, यानी आजीवन कारावास। जज ने एक बार उम्र कैद की फैसला सुना दिया तो संविधान में लिखा है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल आपको सजा माफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो उम्र कैद की सजा है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल 14 साल पहले माफ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 14 साल जेल बिता देते हैं तो उसके संपर्क समाज से टूट जाते हैं, तो उसको नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। हालांकि वो छूटता नहीं, उसे माफ किया जाता है, और ये सिर्फ नॉर्मल क्रिमिनल के लिए होता है। क्या होता है, कभी कभी गलती से मर्डर या गुस्से से कोई गलत काम हो जाते हैं तो इस तरह की अपराधी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं। कहीं साथी अपराधी होता है उसे नहीं छोड़ा जाता, और जज फांसी की सजा सुनाने के बाद खुद कलम तोड़ देते हैं। और इस बात की प्रतीक है कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज खुद भी फैसलों को नहीं बदल सकते, इसलिए फांसी की सजा बहुत ही सोच समझकर दिया जाता है। और इससे लास्ट में लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक लटकाओ जब तक ये कैदी मर ना जाए। और जब फांसी दिया जाता है तो वहां पर जल्लाद यानी जो फांसी देते हैं और एक मजिस्ट्रेट और एक डॉक्टर और जेल की सुपरिटेंडेंट रहता है। और फांसी अक्सर मॉर्निंग में ही दिए जाते हैं। जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है, इसलिए सुबह ही इसको निपटा देते हैं। और सेकेंडरी वजह यह भी है कि सुबह जनता और मीडिया उतना एक्टिव नहीं रहता। फांसी घरों में जब जल्लाद कैदी को लाते हैं तो उसके चेहरे को वो देख नहीं पाते, क्योंकि पुलिस सबसे पहले फेस पर काला कपड़ा डाल देते हैं। काला कपड़ा डालने का मकसद एक ही है कि फांसी से लटकते समय आंख जीभ बाहर आ जाते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है, देखने में बहुत भयानक लगता है। और फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछा जाता है और उसको पूरा किया जाता है। आखिरी इच्छा का मतलब ये नहीं कि आप जो बोलेंगे वही पूरा किया जाए, कुछ ऐसी इच्छा है जिसको पूरा किया जाता है, जैसे नॉर्मल कहीं घूमना है, कुछ अपने पसंद की खाना खाना है, रिश्तेदारों से मिलना है या कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है, इस तरह की कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है। और जब जल्लाद फांसी देता है तो उसकी कान में एक बात कह देता है कि हमें माफ कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए या जो भी धर्म की वो होगा उनकी वास्ता देते हैं। फांसी के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, फिर घर वाले को दे दिया जाता है कि आप जिस धर्म की है उनके हिसाब से आप अंतिम संस्कार कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको इंडियन जेल के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। और आपको ये जानकारी अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।